हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्फ्रेंस रूल इन फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी में इन्फ्रेंस रूल क्या होते हैं, उनके बारे में आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्रेंस रूल होते क्या हैं? इन्फ्रेंस रूल्स वो रूल्स होते हैं जिनमें हम गिविन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से अदर या न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ड्राइव कर सकते हैं। यानी इन्फ्रेंस रूल में हम क्या कर सकते हैं कि जो इन्फ्रेंस रूल में फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दे रखी होंगी, उन फंक्शनल डिपेंडेंस की हेल्प लेकर हम न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव कर सकते हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्फ्रेंस रूल की हेल्प से हम नई फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव कर सकते हैं। अब कौन कौन से इन्फ्रेंस रूल होते हैं, क्या क्या उनके रूल होते हैं, क्या उनका लॉजिक होता है, वो हम देख लेते हैं। इन्फ्रेंस रूल को अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्फ्रेंस रूल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल हैं वो आपके कहलाते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम। ये रूल आपके विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर उनका नेम है आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम। जबकि इनके अलावा कुछ और भी एडिशनल रूल्स हैं, वो रूल्स आपके एडिशनल रूल्स में कहलाते हैं। तो जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं उनमें तीन तो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियोम्स और थ्री आपके एडिशनल रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और जो हमें हेल्प करते हैं अदर या न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ड्राइव करने में। अब आता है सबसे पहले कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियोम्स हैं उनका पहला रूल क्या है। तो जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि पहला रूल कहलाता है रिफ्लेक्सिविटी। अभी रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अगर बी इज ए सबसेट ऑफ बे ए, अगर बी ए का सबसेट है, यानी बी अलग से नहीं है, बी ए का ही अगर एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए आपका दे रखा है एम्प्लॉई आईडी एंड एम्प्लॉई नेम, और बी आपको दे रखा है मान लीजिए एम्प्लॉई नेम, ठीक है। इसका मतलब बी क्या है, बी ए का ही एक सबसेट है, बी अलग से कहीं से नहीं है, बी क्या है ए का ही सबसेट है, ए का ही पार्ट है। तो वही लिखा हुआ है पहला जो रिफ्लेक्सिविटी का होता है वो ये कहता है कि अगर बी सबसेट है ए का, यानी कि बी अगर ए का पार्ट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बी जे सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जरूर एग्जिस्ट करेगी, देन ए टेंड्स टू बी। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्सिविटी रूल, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए टेंड्स टू बी, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, ठीक है। तो पहला रूल हमें क्लियर हो गया कि अगर बी ए का सबसेट में आता है तो ए टेंड्स टू बी, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। दूसरा जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम दिया या रूल दिया वो कहलाता है ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल ये कहता है कि इफ ए टेंड्स टू बी, अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें ए टेंड्स टू बी दे रखी है, तो ऑगमेंट करने का मतलब ये है कि अगर कोई एडिशनल एट्रीब्यूट सी इसमें हम ऐड करते हैं ए वाली साइड में, तो उसी सेम एट्रीब्यूट को हम दूसरी तरफ भी ऐड कर सकते हैं। और ये एट्रीब्यूट का ऐड करना किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये ऑगमेंटेशन कहलाता है। यानी अगर मेरी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ए टेंड्स टू बी एग्जिस्ट करती है और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के दोनों तरफ मैं एक एट्रीब्यूट सी ऐड करता हूं, तो सी एट्रीब्यूट को मैं दोनों तरफ ऐड कर सकता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोनों तरफ इस सी एट्रीब्यूट को ऐड करने से मेरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो अब भी बनी रहेगी। यानी सी इधर ऐड हो गया, सी इधर ऐड हो गया, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टिल एग्जिस्ट, ए सी टेंड्स टू बी सी। फंक्शनल डिपेंडेंसी पर किसी भी एट्रीब्यूट को ऑगमेंट करने से फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यहाँ कोई डी एट्रीब्यूट में ऐड करना चाहता हूँ तो ए डी टेंड्स टू बी डी हो जाएगा। यानी किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर मैं कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल द फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अगला रूल आता है ट्रांजिटिविटी का, दिस इज द थर्ड रूल ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स। इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर ए टेंड्स टू बी दे रखा है एंड बी टेंड्स टू सी दे रखा है, यानी ए बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, देन ए टेंड्स टू सी,
तो ए किसको डिटरमाइन करेगा, सी को डिटरमाइन करेगा। दिस इज द कॉल द ट्रांजिटिविटी रूल। ये भी आपका आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियम में आता है कि अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, देन ए डिटरमाइन करेगा सी को, कॉल द ट्रांजिटिविटी रूल। तो ये हमारे तीन आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियम्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से एडिशनल रूल और हैं जो हमारे इन्फ्रेंस रूल के कैटेगरी में आते हैं और हमें हेल्प करते हैं न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ड्राइव करने में। तो पहला रूल है आपका एडिटिविटी रूल, जिसको हम यूनियन रूल भी कहते हैं। एडिटिविटी या यूनियन रूल में क्या होता है कि अगर ए टेंस टू बी एक आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ए टेंस टू सी दे रखी है। एक क्या दे रखी है, ए टेंस टू बी, और एक क्या दे रखी है, ए टेंस टू सी। ठीक है, तो दोनों अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम यूनियन करें तो क्या हो जाएगा, इधर तो ए हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकल के आई ए टेंस टू बी सी। तो यूनियन रूल क्या कह रहा है कि अगर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है ए टेंस टू बी और ए टेंस टू सी, तो इनसे हम एक नई फंक्शनलिटी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ए टेंस टू, इधर तो ए ही रहा, इधर क्या हो गया, बी सी हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द यूनियन रूल और एडिटिविटी रूल कहलाता है। ये आपका पहला एडिशनल रूल हो गया इन्फ्रेंस का। दूसरा जो रूल है वो कहलाता है प्रोजेक्टिविटी रूल या डिकम्पोजिशन रूल। प्रोजेक्टिविटी रूल या डिकम्पोजिशन रूल, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए टेंस टू बी सी दे रखी है, अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें ए टेंस टू बी सी दे रखी है, तो हम इसको डिकम्पोज करते रख सकते हैं दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, किस किस में, ए टेंस टू बी और ए टेंस टू सी। यानी ये जो लिखा हुआ था रूल, उसी रूल को जस्ट हमने रिवर्स कर दिया है। ए टेंस टू बी सी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए टेंस टू बी है और ए टेंस टू सी है, डिकम्पोज कर दिया अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसीज में। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, डिकम्पोजिशन रूल हो गया। लास्ट रूल जो कहलाता है वो कहलाता है स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल। स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल क्या कहता है कि अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी ए टेंस टू बी है और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी सी बी टेंस टू डी है। अगर आप नॉर्मल ट्रांजिटिविटी को देखें तो उसमें क्या था, ए टेंस टू बी और बी टेंस टू सी, तो क्या निकल के आया था, बी से बी कैंसिल हो गया था, ए से सी निकल के आया था। इसी तरीके से अगर हम स्यूडो ट्रांजिटिविटी को देखें तो ए टेंस टू बी दे रखा है और सी बी टेंस टू एक डी रिलेशन दे रखी है, इसमें दोनों को अगर हम ट्रांजिटिविटी से कंबाइंड करें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए सी टेंस टू, इधर क्या है, डी, ए सी टेंस टू डी, बी से बी कैंसिल हो गए, जैसे यहां पर ए टेंस टू सी निकल के आया था, यहां पर क्या निकल के आया, ए टेंस टू बी और सी बी टेंस टू डी से बी कैंसिल हो गया, ए सी टेंस टू डी निकल आया। ये कहलाता है स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल। तो ये आपके इन्फ्रेंस रूल में सिक्स हमने रूल्स पढ़े, जिनमें से तीन आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम कहलाते हैं और थ्री एडिशनल रूल कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपकी डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।